पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में सराज कांग्रेस के नेताओं पर की गई टिप्पणी से क्षेत्र में एक नया विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सचिव एवं सराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रदेश विधानसभा के सदन में आजकल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बौखलाहट में है। जयराम ठाकुर द्वारा सराज क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय क्षेत्र में उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की चर्चा सदन में शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उन्हें आदेश देकर क्षेत्र में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया है। जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल के दौरान सराज विधानसभा क्षेत्र में एक भी नेता तैयार नहीं कर पाए, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए ठेकेदार ही स्कूल और कॉलेजों के कार्यक्रमों में जाते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संयम न खोने की नसीहत दी है। बता दें कि पूर्व सीएम एवं विधायक जयराम ठाकुर ने शिमला में जारी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि सराज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के हारे और नकारे हुए नेता स्कूलों और कॉलेजों के कार्यक्रम में जाकर भाषण दे रहे हैं। कुछ नेताओं द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि नेताओं के पास प्रदेश सरकार में कोई भी पद नहीं होने के बावजूद इस प्रकार कार्यक्रमों में भाषण और निरीक्षण करने से सरकार का तमाशा बनाया जा रहा है। आजकल सदन के अंदर ठाकुर जयराम जी बौखला गए हैं, बजाय समाज सराज की समस्याओं को लेकर के वहाँ चर्चा करने के, वे सराज के कार्यक्रमों को लेकर के हमारे बारे में उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है इस वक्त। जबकि चाहिए ये था कि वे विधानसभा के अंदर अगर उन्होंने सच में सराज में विकास किया है, उस विकास को लेकर के वहाँ बात करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इस वक्त बनी है वो इनको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन वे वहाँ पर हमारे स्कूलों के कॉलेजों के कार्यक्रमों को लेकर के वहाँ बात कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवादी हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने के जो यहाँ पे आज्ञा दी है और ताकत दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ठाकुर जयराम जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, आपके समय में आपके जो बनाए हुए ठेकेदार, आपने नेता तो सराज में तैयार नहीं किए, लेकिन आपने जो ठेकेदार तैयार किए थे वो ठेकेदार ही स्कूलों और कॉलेजों के कार्यक्रम करने जाते थे। अगर कहीं बस की हरी झंडी दिखानी तो वहाँ पर आपके ठेकेदार जाते थे, अगर आपने कोई सड़क बनाई तो सड़क के लिए वहाँ पर हरी झंडी दिखाने के लिए आपके ठेकेदार जाते थे। मैं आपको ये इस चैनल के माध्यम से, आपकी मीडिया की आवाज़ के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ, कृपया आप अपना संयम ना खोए। आप सराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक विधायक है, विधायक के वहाँ पे अपना रोल निभाएं, आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएं, स्कूलों और कॉलेजों के कार्यक्रम के बारे में आप कतई चिंता ना करें। अगर आपको ज़्यादा ही डिबेट करनी है इस चीज़ के लिए, हम आपको खुली चुनौती देते हैं, कहीं भी किसी भी चैनल के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, और सराज के विकास के बारे में या सराज की दूसरी चीज़ों के बारे में, जो अगर आपने सही मायने में विकास किया है तो उस पर हम पूरी तरह से टिप्पणी करने दें। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपने क्या विकास किया, अगर हम विकास के मुद्दों के ऊपर आए तो आपकी हम कई धज्जियाँ उड़ाएंगे। अभी तो हम स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं आपके होते हुए। स्कूलों में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, मात्र आपने सफ़ेद हाथी बिल्डिंग के तौर पर जो है खड़े किए हैं। जब आपके जो काम हुए ठेकेदारों के हुए, जब ये परते उखाड़ेंगे हम, उस वक्त पता चलेगा। न्यूज़ डेस्क एनालाइज।